गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल डील न्यू टॉपिक ओबेसिटी. सम पीपल ऑलरेडी नो व्हाट इज द ओबेसिटी. सो फर्स्टली आई विल डील इंट्रोडक्शन. दिस टॉपिक इज यूनिट नंबर 6, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. सो फर्स्ट आई विल डील इंट्रोडक्शन. इट इज़ ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर वेयर ए पर्सन बिकम बल्की एंड ओवरवेट ड्यू टू एक्सरसाइज डिपोजिशन ऑफ फैट द बॉडी. इट मीन्स इट इज़ अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर. न्यूट्रिशनल मीन्स जब हमारे बॉडी में न्यूट्रियट की कमी होती है, न्यूट्रियट की कमी होती है लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, या ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, उस कंडीशन को न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर न्यूट्रिशन कहते हैं. और डिसऑर्डर मतलब जिस चीज़ की कमी से या बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण जो कंडीशन होता है उसको डिसऑर्डर कहते हैं. ग्रुप ऑफ सिम्टम वेयर ए पर्सन बिकम बल्की एंड ओवर वेट ड्यू टू एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ फैट द बॉडी. इट मीन्स बल्की मीन्स बड़ा. जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा खाना, ओवर बहुत ज़्यादा उसका वेट होने के कारण या बहुत बड़ा होने के कारण बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होने लगता है बॉडी में फैट का. डिपोजिशन का मतलब था जमा, हमारा फैट बहुत ज़्यादा जमने लगता है अपने बॉडी में. इस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं. ओबेसिटी इज़ कॉज बाय ओवर ईटिंग मोर फूड देन द बॉडी कैन कंज्यूम. ओबेसिटी किसके कारण होता है? जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा खाना खाता है या बहुत ज़्यादा फूड लेता है और उसके बॉडी में जो फैट का है कंज्यूमशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, इस कंडीशन को ओबेसिटी कहते हैं. दैट इंट्रोडक्शन इज क्लियर. देन डेफिनेशन. Obesity can be defined as an excessive or body fat which increase the risk of medical illness and premature death. It means obesity can be defined. Obesity क्या चीज़ को define कर रहा है? जब हमारे body में excessive fat जमने लगता है और increase होने लगता है medical illness, जैसे कि health से related कोई बीमारियाँ increase होने लगती, बहुत ज़्यादा होने लगती है, और premature death होता है. Premature means आकस्मिक, जो डेथ होने का जो टाइमिंग होता है उससे पहले पर्सन का डेथ हो जाता है, इस कंडीशन को ओबेसिटी कहते हैं. पहला डेफिनेशन ये बता रहा है जब हमारे बॉडी में फैट का बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाता है या फिर फैट हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा जमने लगता है, इस कंडीशन में क्या होता है? मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और पेशेंट का सडनली डेथ हो जाता है. द नेक्स्ट डेफिनेशन, ओबेसिटी मे बी डिफाइन एज ए कंडीशन विच दियर इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट. ओबेसिटी किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है? ये एक ऐसा कंडीशन है जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट का जमा होने लगता है, डिपोजिशन होने लगता है, उस कंडीशन को ओबेसिटी कहते हैं. सेकेंड डेफिनेशन ये बता रहा है जब एक्सेसिव अमाउंट में हमारे बॉडी में फैट प्रेजेंट रहता है उस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं. द नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द एडिपोज टिश्यू ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ फैट सेल साइज और इंक्रीज इन ए फैट सेल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. इट मीन्स ये एक ऐसा कंडीशन है जब हमारे बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ होता है किसका? एडिपोज टिश्यू का, ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ फैट सेल. फैट का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होने के कारण जो हमारे बॉडी के फैट सेल है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाते हैं और क्या होता है, फैट सेल का जो काउंटिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है हमारे बॉडी में, उस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं. लास्ट डेफिनेशन ये बता रहा है कि जब हमारे बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है एडिपोज टिश्यू का, जिसके कारण क्या होते हैं, जो फैट सेल है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है हमारे बॉडी में, उस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं. द नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर. अब देखते हैं क्या क्या फैक्टर है ओबेसिटी में. एज, ओबेसिटी इज ए मोस्ट प्रीवलेंट इन द मिडिल एज बट कैन ऑकर एट एनी एज एंड जनरली इंक्रीज विद एज. ओबेसिटी क्या होता है? कोई भी एज में होता है बट ज़्यादातर मिडिल एज के पीपल को होता है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है. ओबेसिटी मतलब एज के कारण बहुत ज़्यादा रेयर केस रहता है पर्सन को. सेक्स, स्टडीज हैव शोन देन मेन गेन इन द वेट बिटवीन 29 to 35 ईयर्स विल वुमेन गेन इन वेट ड्यूरिंग 45 to 49 ईयर ऑफ एज. स्टडी से हम लोग पता किया है कि जो मेल है, जो मेल पर्सन है वो 29 से 35 ईयर एज में पर्सन का वेट, पर्सन का ओबेसिटी बढ़ता है, और जो फीमेल्स हैं उनका वेट 45 to 49 एज में बढ़ता है. वेट बढ़ने के कारण ऑटोमेटिकली पेशेंट ओबेस हो जाता है. नेक्स्ट इज
trigger factor. In developing country, it can occur only in high socio-economic group. जो developing country, जो हमारा ऐसा देश जहाँ पे develop हो रहा है, वहाँ पे क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक रूप से person पाए जाते हैं, उन लोग मतलब economically भी ठीक रहते हैं और sociology भी. The first is genetic factor, which may be transfer from one generation to another generation. Obesity क्या है, ये भी एक heredity factor है जो one generation से other generation में transfer होता है. Like आप लोग बहुत जगह देखे होंगे कि अगर mother obese है तो होने वाले बच्चे को भी obesity होता है, ये one generation से next generation में transfer होता है और उनके बच्चे भी healthy होते हैं, मोटे होते हैं. The next is energy balance. A very small excess of calorie, it habitual can lead to large accumulation of weight. अगर कोई person बहुत ज़्यादा excessive amount में calories लेता है तो और वो अपने habit में रखा है calorie बहुत ज़्यादा लेना, इससे क्या होता है, बहुत accumulation होने लगता है fat का, मतलब collection होने लगता है और person obese होता है. The next is eating habit. Eating in between the meals performance treats refined food and fed the periodically eating and amount of energy derived from it are relevant to a etiology of obesity. Eating between the meals performance of sweet. Eating किसके ऊपर डिपेंड करता है, between किसके साथ, खाना के ऊपर. और ये बहुत ज़्यादा जब स्वीट्स लेते हैं और बहुत रिफाइंड फूड लिया जाता है तो क्या होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट डिपोजिशन होने लगता है और पर्सन क्या होता है, पर्सन का मोटापा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. द नेक्स्ट ड्रग, द यूज ऑफ स्टेरॉयड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एंटीसाइक्लिक ड्रग एंड इंसुलिन इज कॉमनली फॉलो बाय ओबेसिटी, मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन ओबेसिटी. इट मीन्स स्टेरॉयड ओरल ड्रग, इट मीन्स स्टेरॉयड ड्रग हम कब लेते हैं, जब किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा इंफ्लामेशन होता है, अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, इस कंडीशन में स्टेरॉयड ड्रग लिया जाता है. जब इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए स्टेरॉयड लेते हैं, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होने के बाद वो जो मेडिसिन है पर्सन को ऑटोमेटिकली फैट पर डिपोजिशन करने लगता है. कॉन्ट्रासेप्टिव भी बर्थ कंट्रोल करने के लिए जब फीमेल्स ज़्यादातर कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है तो इस कंडीशन में भी ड्रग, इस कंडीशन में भी मोटापा बढ़ता है. एंटीसाइक्लिक ड्रग, जब कोई पर्सन साइकेट्रिक मेडिसिन खाता है, मेंटल से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई ड्रग खाता है तो उसमें भी फैट का डिपोजिशन होने लगता है और पर्सन ओबेसिटी से सफ़र करता है. और इंसुलिन डिपेंडेंट पर्सन भी ओबेसिटी का भागीदार होता है, मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन ओबेसिटी. ये सब कंडीशन में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने की चांसेस रहती है. द नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम. अब देखते हैं ओबेसिटी से कितने ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं. इन 2016 39% ऑफ एडल्ट 18 ईयर इन ओवर 39% ऑफ मेन इन 40% ऑफ वुमेन बेयर ओवर वेट. 2016 के अनुसार 39% जो क्या है 18 साल के लोग एडल्ट इससे सफ़र कर रहे हैं, 39% मेन सफ़र कर रहे हैं और 40% जो है वुमेन सफ़र कर रहे हैं ओवर वेट से, बहुत ज़्यादा उनका वेट है. ओवरऑल अबाउट 13% वर्ल्ड एडल्ट पॉपुलेशन, एडल्ट का पॉपुलेशन 13% है, 11% ऑफ मेन एंड 50% ऑफ वुमेन वेयर ओबेस इन 2016. द वर्ल्ड वाइड प्रिवलेंस ऑफ ओबेसिटी नियरली ट्रिपल्ड बिटवीन 1975 एंड 2016. अगर हम वर्ल्ड का गणना करें तो 1975 और 2016 के अनुसार ये सब रेशियो हमको मिला है. द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन इंडिया. द नंबर ऑफ अंडरनरिश्ड पीपल इन इंडिया डिक्लाइन फ्रॉम 249.4 मिलियन इन 2004 टू 182 मिलियन इन 2017 to 2019 रिसेंट रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस. द फिनोमिना ऑफ डिक्लाइन अंडरनरिश्ड एंड राइसिंग ओबेसिटी इन इंडिया इज फेसिंग कैन सिमिलर इन न्यूट्रिशनल ट्रांसलेशन. इट मीन्स अगर हम लोग इंडिया का देखें तो अंडर नरिश्ड जिनके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है वो जो पीपल है वो 249.4 मिलियन पीपल 2004 और 2006 में
सफ़र कर रहे हैं और 189 टू 2 मिलियन पीपल है 2017 से 2019 में सफ़र कर रहे हैं ओबेसिटी से। और ये ओबेसिटी किस चीज़ को सीन कर रहा है, न्यूट्रिशनल ट्रांसलेशन को सीन कर रहा है। द नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू WHO एक्सपर्ट कमिटी, वेट शुड बी मेंटेन विद इन हेल्दी रेंज ऑफ बॉडी मास इंडेक्स 18.5 टू 24.9 kg/m² थ्रू एडल्टहुड। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार वेट को मेंटेन करना है एक हेल्दी रेंज के अकॉर्डिंग। बॉडी मास इंडेक्स का जो हमारा नॉर्मल वैल्यू होता है 18.5 kg/m² टू 24.9 kg/m² होता है, इस रेशियो को मेंटेन करना है। प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी शुड बी स्टार्टिंग इन रियली चाइल्डहुड। जो ओबेसिटी है उसको शुरू में कब कहाँ से प्रिवेंशन करना है, चाइल्डहुड से ही प्रिवेंशन करना है, अपने हेल्दी डाइट को मेंटेन करना है। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ओबेसिटी इंक्लूड क्या क्या प्रिवेंशन है ओबेसिटी के लिए। पहला, डाइट चेंज। जो पर्सन डाइट ले रहा है फैट से रिलेटेड डाइट नहीं लेना है। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, पर्सन को क्या करना है, बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिविटी करना है, वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, सम वर्क करना है और अपना बॉडी का एक्टिविटी रेगुलर रखना है, हेल्थ एजुकेशन। और पर्सन को हेल्थ एजुकेशन देना है कि ये चीज़ खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है, ओबेस पर्सन को उससे रिलेटेड सारे बातें बताना है। देन मेडिकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट में पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, ओबेस है, तो पर्सन को बहुत सारी बातें बतानी है मेडिकल से रिलेटेड डॉक्टर्स के कंसल्ट के थ्रू। द नेक्स्ट इज डाइट चेंज इंक्लूड द फॉलोइंग टू रिड्यूस द वेट। पहले क्या करना है, पर्सन का वेट को रिड्यूस करना है डाइट के थ्रू। रिडक्शन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, और फैट फूड और कार्बोहाइड्रेट फूड लेने के लिए मना करना है। इंक्रीज फाइबर कंटेंट, और फाइबर रिच डाइट खाना है, हेल्दी न्यूट्रिशन लेना है, हेल्दी न्यूट्रिएंट लेना है, ताकि पर्सन का जो वेट है वो मेंटेन रहे और उसका बॉडी भी मेंटेन रहे। द नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी हेल्प इन कंट्रोल द ओबेसिटी। फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू हमारा जो ओबेसिटी है वो कंट्रोल रहता है। डेली एक्सरसाइज करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट मीन्स टेकिंग एपेटाइट सप्रेसिंग ड्रग टू कंट्रोल ड्रग। मेडिकल ट्रीटमेंट में पर्सन को भूख को रोकने वाला सप्रेशन ड्रग लेना है, ताकि पर्सन को ज़्यादा भूख ना लगे, उसका डाइट कंट्रोल रहे और वो उसका जो वेट है वो गेन ना हो, उसका फेट का डिपोजिशन ना हो और पर्सन का मोटापा ना बढ़े। द नेक्स्ट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। द सर्जिकल मेथड कैन बी अडॉप्टेड टू कंट्रोल ओबेसिटी। सर्जिकल, अगर किसी ओबेस पर्सन का मेडिकल ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो पा रहा है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। ये एक प्रोसीजर होता है जिसको गैस्ट्रिक प्लास्टी कहते हैं। गैस्ट्रिक प्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें फूड टू इंट्रैक्ट प्राइमरी परफॉर्म फॉर वेट। इसमें क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एरिया का ऑपरेशन किया जाता है और उसको फूड जो बहुत ज़्यादा फैट उसके बॉडी में जमा है ये सबको बाहर निकालते हैं। और इससे क्या होता है, इसे गैस्ट्रिक प्लास्टी और गैस्ट्रिक स्टेपिंग भी कहते हैं। हेल्थ एजुकेशन, अब पर्सन को हेल्थ एजुकेशन देना है। हेल्थ एजुकेशन शुड बी गिवन टू पीपल रिगार्डिंग जस्ट डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेडिसिन। जो चीज़ आपने प्रिवेंशन में पढ़ा वही को उसी चीज़ के बारे में नर्स को हेल्थ एजुकेशन देना है कि पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज करे, डाइट पे कंट्रोल करे, मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे ले, ये सब बारे में बताना है। सो टुडेज माय टॉपिक इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट।